अगर आपने अपना लोन का ईएमआई नहीं चुकाया या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, अभी क्या होगा, आपने लोन लेते वक्त या फिर क्रेडिट कार्ड लेते वक्त जिसका भी नंबर दिए थे उसका अकाउंट से जो है अभी पैसा कटेगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पैसा कटेगा। अभी ये क्या है माजरा, क्या है चीज़, इसके बारे में इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सो वीडियो को देखिए कंप्लीट, मैं हूँ आसान, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। कौन सा सिनेरियो है जहां पे आपने जिसका डिटेल्स दिए थे उसका भी अकाउंट से पैसा कट सकता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ दो या तीन नंबर लिया जाता है, आपको बोला जाता है एज ए रेफरेंस। अभी कभी कभार होता है एज ए गारंटर, ठीक है। तो अभी अगर एज ए रेफरेंस आपने दिया है नंबर, तो उनके खाते से कभी भी कोई भी कंपनी पैसा नहीं कर सकता। अभी रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस को सिर्फ लिया जाता है फॉर फर्दर वेरिफिकेशन, मतलब जो आपने डिटेल्स दिया है उसको कभी कभार वेरीफाई करने के लिए रेफरेंस के नंबर पर कॉल जाता है, कभी कभार नहीं जाता है, या फिर जब आप पेमेंट नहीं करते हो आपका प्राइमरी नंबर पर कॉल नहीं लगता तो रेफरेंस के नंबर पे कॉल करके आपको जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, ये होता है रेफरेंस नंबर लेने का काम। अभी दूसरा जो होता है वो होता है गारंटर। अभी गारंटर, एज ए गारंटर अगर आपने डिटेल्स दिया है तो वो क्या करते हैं, अगर आपने पैसा नहीं भरा तो आपका जो भी गारंटर है उनके खाते से, उनके पास राइट होता है पूरा पैसा काट लेने के लिए। आप लोन लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो, जब वो फॉर्म फिलअप किया जाता है, मैक्सिमम सिनेरियो पे कस्टमर खुद फॉर्म फिलअप नहीं करता है, वो जो सेल्समैन आता है वो खुद ही जो है फिलअप कर देते हैं। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा जो आप लोन लिए थे, आपने जिसका भी रेफरेंस दिए थे, क्या वो एज ए रेफरेंस नंबर के हिसाब से दिया गया या फिर एज ए जो है गारंटर के हिसाब से वो नंबर जो है पुट किया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर रेफरेंस नंबर अगर आप किसी का देते हो तो सामने वाला का जो है कोई सिग्नेचर वगैरह या फिर कुछ डिटेल्स जो है बैंक डिटेल्स वगैरह नहीं लगता। लेकिन अगर एज ए गारंटर किसी का आप डिटेल्स दे रहे हो तो सामने वाला का भी जो है अकाउंट डिटेल्स और प्लस उसका खुद का सिग्नेचर जो है जरूरी है। यहाँ पे तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपने जो डिटेल्स भरे थे वो एज ए रेफरेंस भरे थे या फिर एज ए गारंटर भरे थे। सो अगर एज ए रेफरेंस भरे थे तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कितना भी कॉल आए आपके पास चुवन्नी छाप वाला, जो लोग बोलते हैं ना आपको कि सर आपको ये नंबर दिए थे उससे अकाउंट से पैसे काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रेफरेंस नंबर जिसके पास दिया था उसके खाते से कोई भी पैसा काटने का जो है हक नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने बताया, अगर एज ए गारंटर किसी का डिटेल्स भरे थे और उसका भी सिग्नेचर है आपके लोन में, तो डेफिनेटली वो जो है उसके ऊपर ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हो जो गारंटर है उसके खाते से पैसा काटने का। सो ये बात आपको क्लियर होना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस तरह कलेक्शन कॉल डेली आता है और यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ बोल के डराया धमकाया और आपके ऊपर मेंटली हैरेस किया जाता है। सो नॉलेज जो है आपको बचाता है इस टाइप का जो हैरेसमेंट से। सो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था, जिससे कि आपको भी ये चीज़ का पता चले और आप जो है इसके बारे में पूरा जानकारी रहे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।